हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रोहित रूपम। तो बहुत दिन से मैंने यूट्यूब पे परमानेंटली नहीं था तो वीडियो में दे नहीं पाया, तो मैं आज आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू एक वीडियो लेकर। तो इस वीडियो का टॉपिक है मेनली, मैं आज एक पिक्चर को गूगल से कलेक्ट किया तो उस पिक्चर का कैसे हम लोग ड्राइंग करेंगे उसका एक डेमोस्ट्रेशन देंगे आपको, कैसे हम ड्राइंग पिक्चर को देखे, कैसे हम कंपोजिशन बिल्डअप करेंगे, कैसे उसका ड्राइंग करेंगे, कैसे उसका कलर करेंगे, हर कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे साथ देखते रहना और मेरे थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कुछ वगैरह 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 हो सकता है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस। तो अगर कुछ रॉन्ग में बोल देता हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। वेलकम बैक। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मास्किंग ट्यूब को सही जगह पर मोटर रिपोर्टर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग के हाथ में जो देख रहे हैं जो पिक्चर, ये पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया था, तो ये आपको बताने की कोशिश करो, जो गैप है ना जो विक्टोरिया के बीच में और जो बार वाले सेक्शन पे जो लाइन वगैरह है उसमें जो गैप है, तो उस गैप को हम लोग को ठीक से मेंटेन करना है। हम लोग थोड़ा सा दिमाग के अंदर थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग मेंटेन करेंगे उसको, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कुछ जगह पे आपको देख रहा है डॉटेड लाइन मैंने यूज़ किया क्योंकि उनको गैप को ठीक से मेंटेन करना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ जगह पे मैंने पेंसिल से पहले थोड़ा सा डॉटेड लाइन कर रखा था, ठीक है ना। बाद में मैंने समझ में आया क्योंकि आपको भी शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए, आपको मद्देनजर रखते हुए आपको ये ड्राइंग को आपको फुलफिल करना है। तो आपका देखिए, अगर कंपोजिशन में कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी हम बोल सकते हो अगर रहेगा, तो उसका जो पर्सपेक्टिव होगा, जो बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही मैटर करता है कि आपका जो पेंडिंग और सही से होगा कि नहीं होगा। अगर आपका ड्राइंग जो परफेक्टली नहीं बना, तो फिर आप जब कलर करेंगे तो आप सोचेंगे ये तो थोड़ा सा ड्राइंग के प्रॉब्लम की वजह से ये पेंटिंग पूरा गलत हो गया। तो आपका पहले फोकस रहना चाहिए जो पेंटिंग आपका, जो अगर आपका ड्राइंग अगर स्ट्रांग होगा ना, तो कलर का बहुत सारा आपको फ़ायदा हो सकता है ड्राइंग करने में। तो देखिए ये जो कलकत्ता की जान है, जो येलो टेक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, येलो टेक्स आप देखिएगा, इसको मैंने थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया क्योंकि अगर हम लोग मिडिल में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका फिर आपका फोकल पॉइंट थोड़ा सा करने में थोड़ा सा हम लोग को परेशानी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टैक्सी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो और जो छोटा जो फिगर है, फिगर को देखिए, जब उस आपको थिकनेस को आपको मेंटेन करना, तो इस सब चीज़ों को आपको कलर से ही करना पड़ेगा। अगर क्योंकि अब वाटर कलर लेंगे, अगर हम लोग ज़्यादा पेंसिल का अगर यूज़ करेंगे तो फिर वो जो थिकनेस का पेंसिल का जो डार्कनेस है वो पेपर पर रह जाएगा, तो फिर आपका जो कलर होगा तो ठीक से नहीं होगा। तो देखिए इसके बाद मैं कलर सेक्शन में चला गया। कलर सेक्शन पहले देखिएगा, मैंने लेमन येलो ले लिया था, उसके बाद देखिए कमलिन ब्लू को मैंने ले लिया, उसके बाद कमलिन ब्लू, और फिर आप ले सकते हो सेल्जियन ब्लू भी चल सकते हैं। देखिए इसको मैं पिलो बोलता हूँ, इसका क्या मतलब है इसको देने का, इसका मतलब यह है कि आपका जो वाटर कलर का जो फ्लो होगा ना, वो फ्लो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। क्योंकि अगर ऊपर से अगर आपको वाटर पानी क्या होता है, पानी जब कि फ्लूइड होता है, तो फिर ऊपर से आप डाल देंगे तो उसे नीचे अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोई थिकनेस को ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, फॉर मिनरिटी के लिए। देखिए इसको, ये जो स्काई पुशन करने के लिए मैंने एक पैलेट पे ले लिया था थोड़ा सा क्रिमसन, उसके साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको हम कमलिन यूज़ कर ले, और एक पे मैंने ले लिया था कोबाल्ट ब्लू। और पहले मैं क्या करता हूँ, पूरे पेपर को जिस जगह वो स्काई के उसको पहले वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर फ्लो के लिए हम लोग वेट करेंगे उसको, देखिए कैसे कि मैं फ्लो के लिए वेट करता हूँ, जो थोड़ा सा वेट करेंगे ऊपर से कलर को आपको छोड़ देना है, वो अपने आग नीचे आ जाए, क्योंकि आपके जो पेपर के नीचे आपका जो पिलो वगैरह है, जो पेन वगैरह ऊँचू कुछ ऑप्शन है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर समझ रहे ना, अगर आपको इस पोर्शन में कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, नीचे थोड़ा सा बर्न्स है ना, और ऑरेंज पंच करके मैंने वो जो कलर हो नीचे वाली कलर जो रेडिश पोर्शन है उसको मैंने किया, और कुछ जगह पे मेरे को डार्क चाहिए था तो थोड़ा सा सेलियन ब्लू ऐड किया। देखिए कैसे मैं करता हूँ। अब हम लोग चले जाते हैं जो विक्टोरिया के ऊपर का जो पोर्शन है, उसके लिए मैंने एक पोर्शन पे थोड़ा सा पेंट ग्रे और उसके साथ थोड़ा सा सेडियन ब्लू और उसके साथ थोड़ा सा बंस वाला पंच करके मैंने ये वाला कलर बिल्ड किया, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, कुछ जगह पे जिसको पोजिशन को मेरे को डार्क चाहिए उसके मैं थोड़ा सा डार्क का थिकनेस रख देता हूँ, क्योंकि अगर आपका जो फास्ट टोन है, जो हम लोग बेसिक टोन बोलते हैं, फिर फास्ट टोन आप कह सकते हैं, तो फास्ट टोन अगर हम लोग का स्ट्रांग हुआ ना, तो जो पेंटिंग का अगला जो पड़ाव है या मतलब कि सेकेंड टोन, तो सेकेंड टोन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे कलर सेम ही कलर मैंने यूज़ किया। अगर देखिएगा आपका बैकग्राउंड का कलर जो एक तरफ की कलर है, मैंने जो इधर जो कलर है, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर जो वही कलर मैंने यूज़ किया थोड़ा सा डार्क वाले वर्जन में, क्योंकि हम लोग का कलर पर्सपेक्टिव के लिए मैंने इस तरफ की कलर यूज़ किया। आपका यही जब आप करते जाएंगे वाटर कलर में, तो आपका ये सब चीज़ें आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। मेरा भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अभी भी बाकी है।
तो देखिए मैं कैसे कैसे करता हूँ। और तो क्योंकि ये वाला सामने वाला पोर्शन है तो हम लोग को थोड़ा सा डार्क तो करना ही पड़ेगा उसको। डार्क के लिए मैंने थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू और उसके साथ थोड़ा सा बंस है ना पंच करके ये वाला कलर मैंने बिल्ड किया था। तो देखिए कैसे कैसे मैं करता हूँ। और देखिए उसके बाद मैंने ले लिया एक जगह पे फ्रेंच अल्टरमेरिन, उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंच ग्रे एंड थोड़ा सा प्रूशियन ब्लू ऐड करके मैं ये वाला कलर मैंने बिल्ड किया था। तो देखिए कैसे कैसे करता हूँ। तो ये वाला बहुत ही बढ़िया मेरा फेवरेट तरफ का कलर है, क्योंकि ये वाला कलर हम लोगों को क्योंकि डार्क सेक्शन वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग इसको डार्क रखेंगे तो इसलिए पहले से मैं थोड़ा थोड़ा डार्क यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग पहले से इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग का बाद में जो सेकंड टोन होगा ना उसके थोड़ा सा आसानी महसूस होगा हम लोगों को। ठीक है ना गाइस, समझ रहे हैं ना। देखिए मैं कैसे थोड़ा सा हम लोग स्प्रे का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कुछ इफेक्ट वगैरह तो ज़रूरी है ना। अगर देखिए हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड हो सकता है तो कैसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अगर थोड़ा सा ये क्राउड एरिया है तो थोड़ा सा अगर साउंड वगैरह आ सकता है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस। देखिए कैसे कैसे मैं करता हूँ। इफेक्ट के लिए मैंने थोड़ा सा वाइट का जो वाइटी कंडीशन पंच किया था, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं येलो टैक्सी पर। तो येलो टैक्सी के लिए कुछ कलर्स का येलो ही होगा, तो येलो में कौन सा येलो होगा, इसके लिए मैंने थोड़ा यूज़ किया था गैम्बूज और लेमन येलो। उसके बाद हम लोग चले जाते हॉर्स के, हॉर्स के कलर। तो हॉर्स को कलर करने के लिए मैंने ले लिया था थोड़ा सा बंसना, उसके साथ रेड एंड थोड़ा सा ऑरेंज पंच करके मैंने ये वाला कलर बिल्ड किया था। उसके बाद जो गेट के सामने जो फिगर वगैरह है उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके जो कलर हम लोग बैकग्राउंड में यूज़ किया है कई बार इसका, तो थोड़ा थोड़ा कलर उसको उतर कर यूज़ किया। अब देखिएगा जो कलर का मैचिंग है आप देख रहे हैं ना गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो कलर आप लोग बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे वही कलर आपको फिगर में उस तरह की कलर यूज़ करना है, या फिर फिगर में जो कलर यूज़ करेंगे वही कलर को आपको बैकग्राउंड वगैरह यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब लैंड की तरफ। तो लैंड करने के लिए पहले मैंने लैंड को वेट कर लिया, उसके बाद मैंने एक पैलेट पर ले लिया येलो वॉकर और एक में ले लिया थोड़ा सा ऑरेंज के साथ थोड़ा सा जो येलो मैंने पंच किया कोई कलर ही मैंने यूज़ किया और कोई कलर यूज़ नहीं किया। उसके बाद देखिएगा क्योंकि येलो टैक्सी वाला पोर्शन मैंने येलो किया इसलिए उस जगह पे मैंने येलो कलर का यूज़ किया। और आप देखिएगा उसके सामने जो लाउंज के वाला पोर्शन में थोड़ा सा जो लाइट वाला जो ऑरेंज या फिर बंसन वाला कलर मैंने किया था उसको उधर यूज़ किया, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन का वही कलर है इसलिए उधर मैंने वही कलर यूज़ किया। जो साड़ी वाला पोर्शन येलो इसलिए मैंने उधर येलो येलो यूज़ किया। तो और अगर हम लोग पीछे वाला पार्ट पे जाए तो पीछे वाला पार्ट पर देख सकते हैं थोड़ा सा जो डार्क पार्ट है उसके अंदर हम लोग का ब्लू इस पार्ट है, तो इसलिए मैंने ब्लैंड पे क्लोज इस पार्ट पे मैंने ब्लू यूज़ किया। अब समझ रहे हैं कैसे मैंने कलर का यूज़ करना है, किधर किस कलर का यूज़ करना है। और जो हम लोग ऊपर वाला पार्ट पे क्योंकि थोड़ा सा ब्रशिंग किया थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह डाला इसलिए मैंने नीचे वाला पोर्शन पे जो क्लोज पार्ट है उसके साथ थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह करना ज़रूरी है इसलिए मैंने उधर कोई इफेक्ट किया। तो अब समझ रहे हैं कैसे कैसे हम लोग इसको करते हैं, तो कैसे कैसे हम लोग सेंस उसको हम लोग डेवलप करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सेकंड टोन पर। अगर सेकंड टोन होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। अगर सेकंड टोन क्या है, बस कुछ नहीं, जो आपका जो कलर आपने फास्ट टोन पर या फिर बेसिक टोन पर यूज़ किया वही कलर का डोक डार्क टोन तो ही आपको यूज़ करना है। तो देखिए इसलिए मैंने थोड़ा सा लैम्प पोस्ट वगैरह जो डार्क कलर पार्ट इसलिए मैंने डार्क कलर पहले पूरा डार्क कलर यूज़ किया। उसके बाद हम लोग देखिएगा एक पेन थोड़ा सा बंट है ना उसके साथ थोड़ा सा हम लोग क्या ग्रीन यूज़ किया, तो क्योंकि ये लोग जो डार्क वाला पार्ट है ना तो हम लोग को करना इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लोग कलर को यूज़ किया। उसके बाद देखिए कैसे कैसे मैं इसको करता हूँ। और बस कुछ नहीं, आपका जो जिस पोजीशन पे आपका अगर जो बेसिक टोन है वो अगर अच्छा रहा तो आपका बस कुछ सिंपल स्टेप के कुछ जस्ट आपका कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करने से आपका देखिएगा आपका पूरा ड्रॉइंग में पूरा बिल्डअप हो जाएगा। और देखिएगा मैंने कैसे अगर मैंने कुछ काम ही नहीं किया ऊपर जस्ट तो कुछ जगह पर मैंने जब थोड़ा थोड़ा कुछ लाइन देकर ही पूरे ड्राइंग को कंप्लीट किया है। कुछ जगह पर अगर देख सकते हो ऊपर वाले पोर्शन पे अगर आप ठीक से देखे तो ध्यान दें, अगर देखिएगा मैं कुछ जस्ट कुछ कुछ जगह पर लाइन ड्रॉ किया और कुछ जगह पर थोड़ा डार्क का पैच मैंने दिया है। और देखिएगा ये थोड़ा सा जो हम लोग विंडो बोल सकते हैं उसको है डार्क की कट करना चाहिए, और ऊपर वाला जो पोर्शन में थोड़ा सा हम लोगों का जो ऑरेंज कलर हम लोग के या बोल सकते हैं बंस है ना यूज़ करके जो कलर हम लोग बिल्डअप किया उस कलर को उधर को दे देना है। और देखिए ऊपर वाला साइड पोर्शन में जस्ट मैंने दो तीन यार बस सिर्फ लाइन ही दिया है और कुछ नहीं, जस्ट डार्क वाला लाइन मैंने यूज़ किया और कुछ नहीं, बस देखिएगा वो कैसे कैसे वो बाहर निकल के आ रहा है। देखिए और इस वाले पोर्शन को जो जी वगैरह है इसको करने के लिए मैंने बंस है ना उसके साथ थोड़ा सा सैपलिंग मैंने मिक्सअप करने पर ये वाला कलर बनता है। ठीक है ना गाइस, ये वाला बहुत बढ़िया कलर है, आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा डार्क के लिए, आप उसके साथ थोड़ा सा पेंस का यूज़ कर सकते हो।
या फिर आप उसके साथ थोड़ा सा ब्लू भी यूज़ कर सकते हो। ये सेम कलर मैंने यूज़ किया, जस्ट बनसाना के साथ आपको सैबलिन मिक्स करके बांस वाला कलर बिल्ड करना है आपको। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं लायन पर। लायन पर देखिएगा कुछ जगह पर जो उसका बाल वगैरह है उसको हम कैसे करते हैं देखिएगा। वो जो डार्क वाला पोर्शन है उसको भी कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। जो हेयर वगैरह है या फिर देखिए बस कुछ लाइन ही मैंने जस्ट दिया है कुछ जगह पर। कुछ जगह पर सिंपल वाला पैच मैंने जस्ट दिया है देखिएगा। जस्ट कुछ जगह जिस जगह पर शैडो पर हम लोगों को कम करना है। तो देखिए देखिए जी क्योंकि ये वाला पोर्शन हम लोग का क्लोजेस्ट आ रहा है तो हम लोगों का कि उसके सामने थोड़ा सा डार्क देंगे वो वाला सामने पोर्शन सामने आ जाएगा। ये वाला तुम लोग कौन सा थे तो हम लोग चले जाते हैं अब ये वाला टैक्सी का जो विंडो विंडो का डार्क होगा तो इसलिए हम डार्क कर रहे हैं उसको। डार्क करने के लिए बस स्क्रीन क्रियो ही यूज़ किया और थोड़ा सा उसका जो बंस है ना वाला जो कलर हम लोगों ने यूज़ किया उससे थोड़ा सा मैंने ब्लू बंस किया था। और ये वाला जो एक टेक्स का जो बॉर्डर के लिए मैंने जस्ट ब्लू यूज़ किया और कुछ जगह पर मैंने बंस है ना उसके साथ थोड़ा सा पेंट स्प्रे करके ये वाला कलर बिल्ड किया जो देखिएगा डार्क दे रहा हूँ। जो टैक्सी का जो व्हील है उसके साथ जो डार्क वगैरह यूज़ करो तो सब कुछ ही बंसने के साथ पेंट स्प्रे मिक्स करो ठीक है ना गाइस। तो देखिए मैं कैसे कहता हूँ व्हील का जो डार्क वाला सेक्शन है मैं करता हूँ जो टैक्सी वाला है पार्ट है जैसे आपको ध्यान रखते हुए इसको ड्रॉ करना है। और इस ये जो व्हील का जो मिडिल पोर्शन के लिए मैंने जब बंसना यूज़ किया और कुछ नहीं जस्ट बंसना देख सकते गाइस पूरा बंसना यूज़ किया मैंने। और पीछे वाला जो छोटा छोटा फिगर है जो डार्क वाला पार्ट में जो अंधार वाला फिगर है तो थोड़ा सा डार्क यूज होगा तो इसलिए मैंने डार्क यूज़ किया उसके लिए क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्काई पर कहीं पर भी आगे देखेगा मैं थोड़ा सा क्रिम्सन के साथ जो ब्लू मिक्स का जो कलर बनता है उस कलर का यूज़ किया। और जो कलर का फिगर का जो स्किन टोन है उसके लिए मैंने ऑरेंज यूज़ किया है। और देखिएगा और जो डार्क वाला सेक्शन है उस डार्क वाला सेक्शन के पार्ट के लिए मैंने बनसाना यूज़ किया। देखिए कैसे कैसे ये सब कुछ बनसाना कि यही कलर है और कुछ कोई कलर नहीं है सिर्फ ओनली बनसाना यूज़ किया है। तो साड़ी का आप देख रहे हो कैसे कैसे मैं डार्क कलर यूज़ करता हूँ साड़ी पर और नीचे वाला सेक्शन में थोड़ा सा रेड यूज़ करता हूँ। और जो हेयर वगैरह है वो तो ब्लैक यूज़ करता हूँ या फिर आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हो आपके सीक्वेंस में आपको यूज़ करना है ठीक है ना। तो कैसे कैसे देखिए छोटे छोटे फिगर को मैं कैसे कैसे ड्रॉ करता हूँ बस सबका जो थिकनेस है उसको मेंटेन करना और जो ये जो रहता है जो ग्रिल वगैरह रहते हैं गेट पर तो ये वाला ड्रॉ करते हैं बस ध्यान पर रखते हैं आप देख सकते हो बस जो कलर है उसी का ही डार्क मैंने यूज़ कर रहा हूँ बस उस कुछ नहीं। और ये वाला सेक्शन जो थोड़ा सा डार्किश रहेगा तो मैंने डार्क कर लिया और इसको भी थोड़ा सा डार्क लग रहा है देने का ज़रूरत इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क इधर को यूज़ किया। तो देखिए बस सिंपली कुछ स्टेपों में मैंने ये वाला काम किया है। अगर आपका कोई इसके बारे में अगर सेकेंड टोन के बारे में और भी जानना है या कुछ भी अगर चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अब हम लोग बढ़ते टी वाला सेक्शन। टी वाला सेक्शन में करने के लिए मैंने ड्राई ब्रश स्ट्रोक यूज़ किया। ड्राई ब्रश स्ट्रोक होता क्या है जब हम ब्रश पर जो वाटर क्वांटिटी है बहुत लेस लेते हैं और जो कलर की क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा लेते हैं इसको ही हम लोग ड्राई ब्रश यूज़ कर बोलते हैं। तो देखिए मैंने ड्राई ब्रश स्ट्रोक यूज़ किया और कुछ जगह मैंने इफेक्ट के लिए व्हाइट जो व्हाइट है वो थोड़ा थोड़ा के बूंदाबांदी आप देख सकते हो क्योंकि अच्छा लग रहा है इफेक्ट के लिए। तो सेम इफेक्ट के लिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर के लिए ब्रशिंग किया। उसके बाद देखिएगा थोड़ा थोड़ा कुछ जगह पर हम लोग को डार्क चाहिए थे इसलिए हॉर्स के जो पैरों के नीचे जो वाला पोर्शन है उधर का हम लोगों ने थोड़ा डार्क कलर यूज़ किया। और कुछ जगह पे आप देख सकते हो थोड़ा करके ऊपर ब्लू भी यूज़ किया है हम लोगों ने। तो देखिएगा और जो लाउंड के सामने वाला नीचे वाला भाग में उधर भी हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया क्योंकि हम लोग का लास्ट टोन है सेकेंड टोन है इसलिए डार्क यूज़ करना चाहिए थे। हम लोग यूज़ किया कुछ जगह पे आपको देख रहे हैं हम लोग सब जगह पर यूज़ नहीं करा ऊपर वाला जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हम लोग को नीचे भी चाहिए इसलिए हम लोगों ने नीचे भी व्हाइट का थोड़ा सा स्प्रेड आउट किया। टैक्सी के नीचे वाले भाग में थोड़ा सा शैडो ह्यूमन के अंदर थोड़ा सा शैडो क्योंकि ये डैम्प वेदर नहीं इसलिए। तो ठीक है ऐसे ही हम लोग का ड्राइंग पूरा फुल बिल हो चुका है तो हम लोग प्रीमियम लुक की तरफ। गाइस मास्किंग टेप यूज़ करना यूज़ करने में क्या फ़र्क है आप पूरी तरह से देख सकते हो कि जब मास्किंग टेप था तो उसका लुकिंग क्या था मास्किंग टेप के बाद में उसका लुकिंग क्या है तो लुकिंग थोड़ा सा फर्क पड़ता है। आपको क्या बताए आपका ओपिनियन क्या है इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ और भी टाइप की वीडियो देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना आपकी इस वीडियो में भी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट करके बताना और थोड़ा सा लाइक शेयर वगैरह कर देना। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो लाल वाला बटन है ना जो अगर उसमें पेंट ब्रश अगर कुछ भी फेंक के मरिएगा बस क्लिक होना चाहिए। तो ठीक है थैंक यू चलिए टाटा मिलते हैं अगली वीडियो।